वेलकम बेटा टू माई चैनल सो इजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप क्लास नाइन्थ की प्रैक्टिस शीट 9 सॉल्व करांगे। टॉपिक हैगा बेटा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चलों विच रेखी समीकरण। चलो आप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एंड सैकेंड दोनों क्वेश्चन बेटा बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। चलो आप सॉल्व कर देना दोनों ने पहला। ठीक है, बॉड मास बी ओ डी एम ए एस, बी मीन्स ब्रैकेट, ठीक है, ओ मीन्स ऑफ द, डी मीन डिवीजन भाग, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन गुना, ए एडिशन जोड़, एस सबट्रैक्शन कटाओ। एडिशन दे सबट्रैक्शन तुसी अगे पिछे कर सकते हो, पहला सबट्रैक्शन कर सकते हो फिर एडिशन कर सकते हो, ये कोई चक्कर नहीं बेटा। हुण इहदे अकॉर्डिंग बॉड मास दे अकॉर्डिंग पहला आपां की करांगे, डिवाइड 3.5 नूं 7 नाल डिवाइड करो, किन्ना जो अपने को 0.5। ठीक है, ए बन गया 0.52 प्लस 1.3 माइनस 0.4 इंटू 0.5। हुण बेटा 0.4 नू 0.5 ना मल्टीप्लाई करो, किन्ना आ जाएगा 20। राइट साइड तो दो डिजिट बाद पॉइंट मीन 0.20। ठीक है, इत्थे गा अपने को 0.52 प्लस 1.3। हुण प्लस कर दें आपां बेटा 0.52 दे विच तुसी ऐड करो 1.3, पॉइंट से रख के ऐड करना, किन्ना जो देखो अपने को 2.81 मीन्स 1.82 माइनस 0.20। इदी बेटा माइनस करोगे तो भी पॉइंट से रख के किन्ना जो थोड़ा 1.62। देखो कड़ी ऑप्शन बन गई बेटा, है फोर्थ ऑप्शन। क्लीयर जी। नैक्सट बेटा मैच करने ने अपना कॉलम्स। हूँ फर्स्ट देखो 12 + 3 कि बन गया 15, माइनस 4 कि बन गए 11, मीनस ए आंसर क्या होगा 11। सैकेंड है अपने को 4 + 5 = 9, 9 × 2 कि बन गए 18। ठीक है, ए बी आ जाएगा, तो 8 नू 4 ते डिवाइड करके 2 माइनस 1 कि आ गया 1 मीन सी ए आ जाएगा। 5 × 2 = 10 + 3 = 13। ठीक है, ए डी ऑप्शन आ गई। क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने को द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ बॉयज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक जमात विच कुड़ियां की संख्या मुंडियां की संख्या का कितना गुना आ, 3 गुना आ। ठीक है, तो हेठां दित्ते विच केड़ा विकल्प आ जिहड़ा जमात विच विद्यार्थियों की कुल संख्या नहीं हो सकती। देखो बेटा, जे नंबर ऑफ बॉयज आपां एक्स मान लैने आ, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कुड़ियां की संख्या किन्नी बन जूगी 3x। ठीक है, मीनस जिहड़े टोटल स्टूडेंट्स ने वो किन्ने बन जाएंगे 4x। 3x प्लस एक्स किन्ने बन गए 4x मीनस 4 का टेबल बन गया। ठीक है, जिन्हों 4 के मल्टीपल आप लिख सकते हैं वो टोटल स्टूडेंट्स होंगे। जिमें 24 नू किवें लिख सकते हैं 4 × 6। ठीक है जी, 32 नू किवें लिख सकते हैं 4 × 8। जो टोटल स्टूडेंट्स ने 4 के टेबल पर होने चाहिए ने, यह बन जूगा 4 × 9। पर बेटा 41 4 के टेबल पर नहीं आता। ठीक है, मीनस ये टोटल स्टूडेंट नहीं दर्शा सकते, तो कौन ऑप्शन आएगी 4th। नैक्सट है, इन्हां विचों कौन समीकरण एक चल विच रेखी समीकरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल च कौन है। देखो जी सारे एक्स ने, यह वन वेरिएबल जो लीनियर है क्योंकि एक्स की पावर 1 आ। ये दो वेरिएबल आ गए बेटा, हैगी तो लीनियर पर दो वेरिएबल च आ गए। कौन वेरिएबल ने, एक्स से वाई।
एच एक्स की पावर टू आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है, दो घाती बन गई समीकरण, ये लीनियर नहीं है। एच एक्स तो है बेटा, जो कि सॉल्व करोगे जो बाय वन है ना, बाय वन कर लो, बटरफ्लाई मैथड लगा लो, एक्स इधर जो टू प्लस थ्री एक्स इंटू एक्स, थ्री एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्स तो जीरो ना खत्म हो जाएगा, पर अपने को आ जाएगा आंसर टू प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। पर यह भी बेटा पावर टू आ गई, ये भी किया क्वाड्रेटिक, मीनस लेनियर की है फस्ट ऑप्शन, जिहड़ी एक वेरिएबल च भी है, एक चल विच भी है, चल के ना एक्स ते लीनियर। अगे अजय का भार उसके पुत्र तो 26 किलोग्राम ज़्यादा है, जेकर उन्होंने भारा का जोड़ 80 किलोग्राम है तो अजय का भार पता करो, अजय इज 26 किलोग्राम हैवीअर दैन हिज सन, इफ सम ऑफ देयर वेट इज 80 किलोग्राम फाइंड द वेट ऑफ अजय। देखो बेटा अजय 26 किलोग्राम भार आया अपने सन नालों, जे सन पुत्र दी आपां एक्स किलोग्राम ले लिए, ठीक है, तो फादर मीनस अजय किन्ना वड्डा इहदे नालों 26, ठीक है, तो बेटा टोटल किन्ना बन जूगा, कुल अपन किन्ना तां इहने 80, मीनस इहनां दा हुंदा ऐड एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 80, एक्स प्लस एक्स 2x 80, 26 बेटा राइट साइड जाके माइनस दे 2x किन्ना जो अपने कोल 54, ठीक है, ठीक है, 2x किन्ना जो 54 इन नोट कर लो, आप अगे चलते हैं, नहीं चलो मैं इत्थे करा दिंदी हाँ। तो अपने कोल x की वैल्यू किन्नी आ जूगी 54 डिवाइडेड बाय 2, 27 kg। एक्स किदा सीगा सन दा, अपने अजय मीनस फादर दा कढ़ना है, तो फादर दी किन्नी बनूगी अजय दी, एक्स प्लस 26 मीनस 27 प्लस 26 किन्नी बन गई अपने कोल 53 kg, 53 किलो भार हो गया, ठीक है, फादर दा दिस वन। अगे दसना वो समीकरण जिसका हल संपूर्ण संख्या नहीं है, द इक्वेशन हूज सोल्यूशन इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, मतलब आंसर बटिया च आ रहे हो, आंसर संपूर्ण संख्या नहीं मीनस बटिया च होएगा, फ्रैक्शन च होएगा। हूँ इनू सॉल्व कर दें, फस्ट नूं आपां फस्ट देखो 3x इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 3 राइट साइड जाके प्लस दे बैठा, क्योंकि माइनस प्लस हो जूगा, प्लस माइनस हो जूगा, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड चला जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस 12 प्लस 3 किन्ने बन गए माइनस दे 9, तो एक्स की वैल्यू किन्नी आ जूगी माइनस 9 बाय 3, इधर एक्स की वैल्यू किन्नी आ गई माइनस दे 3। देखो ये तो इंटीजर हैगा या संपूर्ण संख्या है, ये तो ट्रू आ, इहदा तो हैगा मीनस। अगे देखो ये बन गया माइनस दे 5u, माइनस यू लैफ्ट साइड जाके प्लस दे यू इज इक्वल टू माइनस 13, इधर आके 3 माइनस दे, माइनस 5u प्लस यू किन्ने बन गए माइनस दे 4u, माइनस 13 माइनस 3 माइनस दे 16, तो यू की वैल्यू आ जाओ बेटा माइनस 16 बाय माइनस दे 4, ये कैंसल आउट, ए किन्ना आ गया 4, मीनस ए भी बेटा एक इंटीजर संपूर्ण संख्या आ, मीनस दोनों ऑप्शन तो सही ने क्योंकि संपूर्ण संख्यावान ने। हुण पर अगलिया दो चैक करते हैं, हुण थर्ड ऑप्शन देखो 4y 7y लैफ्ट साइड जाके माइनस दे, माइनस 11 माइनस 7 राइट साइड जाके प्लस दे, 4 माइनस 7 किन्ने बन गए माइनस दे 3y, तो 11 चो 7 गए माइनस दे 4, माइनस माइनस कैंसल आउट, y की वैल्यू किन्नी आ गई 4/3। ये देखो इंटीजर नहीं, ये फ्रैक्शन च आ गए, बटिया च आ गए, प्रमेय संख्या आ, मीनस ये ऑप्शन क्या होगी थर्ड, आप लास्ट भी चैक कर लें, 7z 0 माइनस 14 राइट साइड जाके प्लस दे 14, मीनस प्लस दे 14 जैड कि आ जूगा 14/7, ये भी देखो कैंसल आउट, ये भी एक की है संपूर्ण संख्या, केड़ी नहीं हैगी थर्ड ऑप्शन। नैक्सट देखो हेठां दित्ते विच पी दा ओ केड़ा मुल होवेगा जिस लई दोनों व्यंजक की ने बराबर ने, इक्वल ने, इन्हों बराबर रख लो, 3p प्लस 15 कि बराबर आ जूगा पी माइनस 1 दे, 3p
पी लेफ्ट साइड जाके माइनस दे माइनस वन, 15 राइट साइड जाके माइनस दे। ए बन गए बेटा 2p माइनस 15 ते माइनस वन माइनस 16, पी दी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 16 बाय 2, कितनी आ गई पी दी वैल्यू अपने को माइनस दे 8, तो कौन सी ऑप्शन आऊगी बेटा फोर्थ। नेक्स्ट देखो इन्हें साइंस क्विज एक विज्ञान दे क्विज 30 प्राइज कंसिस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड सैकेंड प्राइज ओनली आर टू बी गिवन। टोटल 30 नाम ने जिसे पहला ते दूजा इनाम शामिल ने। फर्स्ट एंड सैकेंड प्राइज आर वर्थ रुपीज 2000 एंड 1000 रिस्पैक्टिवली। पहला ते दूजा इनाम है जिहड़ा क्रमवार 2000 ते 1000 रुपए ने। टोटल प्राइज मनी जो टोटल इनामी राशि है 52000 आ। इफ द नंबर ऑफ सैकेंड प्राइज एक्स द टोटल वैल्यू प्राइज इज इन टर्म्स ऑफ एक्स इज एक्सप्रैसड एज, तो आपां इह दसना भी कुल राशि नूं एक्स दे रूप विच किवें दर्शा सकते हैं। देखो बेटा एक फस्ट प्राइज वाले ने एक ही अपने को सैकेंड प्राइज है राशि। टोटल किने 30 नाम ने, दूजे इनामों की संख्या एक्स आ, सैकेंड प्राइज किने ने अपने को एक्स, टोटल किने ने 30, तो फस्ट वाले किने आउणगे 30 माइनस एक्स, तो ही टोटल 30 बन गए। ठीक है, जिहड़ा फस्ट प्राइज आ उहदी राशि किन्नी आ अपने कोल 2000, ते सैकेंड प्राइज की राशि किन्नी आ अपने कोल 1000, टोटल किन्नी आ 52000। तो किवें फाइंड करांगे बेटा? बेटा जिन्नी गिनती आ उहनू राशि नाल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जिवें अपने कोल 5 नोट ने 100-100 दे, तो कुल राशि किन्नी बनूगी? जिन्नी गिनती आ 5, जिन्नी एक दी राशि आ मीनस 100, 5 × 100। ठीक है, इदां आ वाला गिनती नूं आपां अमाउंट नाल मल्टीप्लाई करांगे, मीनस 30 माइनस एक्स इंटू 2000 प्लस एक्स इंटू 1000, तो कौन आंसर बनू बेटा? सैकेंड, 30 × x × 2000 प्लस 1000x। क्लीयर जी, ये थोड़ी टोटल राशि आ गई। नैक्सट देखो द लेंथ ऑफ टॉप ऑफ स्केयर टेबल इज एक्स, एक वर्गाकार मेज आ उहदे उपले तल दी भुजा किन्नी आ एक्स। द एक्सप्रैशन फोर इट्स पैरामीटर, इहदा परिमाप करना घेरा करना, की फार्मूला हुंदा बेटा? 4 × साइड भुजा मीनस 4 × x किन्ना जो अपने कोल 4x दिस वन। नैक्सट है बेटा अपने कोल वाई मीटर लंबे कपड़े तो अद्धे मीटर की लंबाई दे किन्ने स्कार्फ बनाए जा सकते हैं। द नंबर ऑफ स्कार्फ्स ऑफ लेंथ हाफ मीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम ए क्लॉथ ऑफ वाई मीटर इज, देखो बेटा टोटल लेंथ किन्ने क्लॉथ दी वाई, और जो अद्धे मीटर लंबाई वाले बनाने ने। ठीक है, तेनों हाफ ना की कर देंगे डिवाइड, तो अपने को निकल जाएंगे नंबर ऑफ स्कार्फ्स। ठीक है, ए बन जू वाई, 1/2 उलझेगी रकम किन्नी बन जूगी अपने को 2/1 मीनस 2y। ठीक है जी, नैक्सट हैगा अपने को एक्स के कड़े मुल दिते आकार का परिमाप 186 cm है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, पैरीमीटर ऑफ शेप अपन गिवन आ, देखो लेंथ गिवन आ ब्रैथ गिवन आ, की है करैक्ट एंगल, तो बेटा तो पैरीमीटर का की फार्मूला हों 2 × लेंथ प्लस ब्रैथ, मीनस ये आजगा 2 × लेंथ हैगी अपने को 5x प्लस 6, ब्रैथ है बेटा अपने को 2x प्लस 66, तो पैरीमीटर कि अपने को 186। ठीक है, ये बन जू 2 5x प्लस 2x 7x, 6 प्लस 66 कि बन गया 72 इज इक्वल टू 186, तो 7x प्लस 72 कि आ गया 186, इनू 2 नाल की कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 2 गुना चा राइट साइड जाके डिवाइड, कि आ गया 93, तो 7x कि आ जूगा 93, 72 राइट साइड जाके माइनस से। ठीक है, तो बन जू 7x इज इक्वल टू माइनस करो कि आ जूगा 21। क्लीयर जी, तो बेटा अपने को एक्स की वैल्यू कि आ जूगी 21/7 कि आ गई, एक्स की वैल्यू अपने को 3। क्लीयर जी, तो देखो कि ऑप्शन सैकेंड।
अगर देखो x प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अपने को फॉर्मूला होंदा होंदा है एक्स प्लस वाई दे स्केयर दा। की फॉर्मूला होंदा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। हुण इह देखो एक्स प्लस वाई गिवन आ सैवन दा स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अपने कैलकुलेट करना प्लस टू एक्स इंटू वाई कि अपने को ट्वेल्व, सैवन का स्केयर कि बन गया 49 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टू इंटू ट्वेल्व 24 49 24 राइट तो लैफ्ट साइड जाके माइनस दे इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर तो माइनस करके कि आ गया बेटा 25 तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कि आ गई अपने को 25। ठीक है कि ऑप्शन देखो ये फर्स्ट दिस वन। नैक्सट हैगा अपने कोल मंथली इनकम ऑफ सोहन लाल इज 2 रुपीज़। सोहन लाल की एक महीने की कमाई बेटा 2 एंड ही गैट्स एन एनुअल बोनस ऑफ रुपीज़ 7000। उसनों सालाना 7000 बोनस रूप मिलते हैं। फाइंड हीज एनुअल इनकम वो सालाना आमदन पूरे साल की आमदन कटनी है। देखो बेटा एक महीने की कमाई किन्नी वो 2 उन्होंने सालाना मिलते हैं, उसनों सालाना 7000 बोनस के रूप में मिलते हैं। ठीक है एक महीने की कमाई 12 तो साल की कमाई किमें होएगी इनकम ऑफ ईयर पूरे साल की, एक साल की कमाई आमदन एक महीने 2 तो एक साल की किन्नी होगी 12 इंटू 2 क्योंकि एक साल किन्ने हो गए 12 महीने मीनस 24। ठीक है एक साल की आमदन किन्नी है 24 उन्होंने सालाना एनुअल बोनस मतलब एक साल बाद 7000 रुपये बोनस मिलते हैं तो टोटल इनकम किमी होगी पूरे साल की आमदन किन्नी होगी वो 24 तो वैसे ही सी 7000 उन्होंने बोनस रूप मिल गए सालाना। ठीक है तो आंसर आएगा 24 प्लस 7000। दिस वन ठीक है 24 प्लस 7000। अगर एक वर्ग की पूजा बेटा गिवन आ इहदा खेत्रफल कढ़ना, साइड गिवन आ एरिया कढ़ना, इहदा फॉर्मूला की हुंदा अपने कोल वर्ग का साइड इंटू साइड मीनस साइड का स्क्वायर। पंजाबी च आपां लिखांगे पूजा दी 2। ठीक है पूजा किन्नी है 3x माइनस 4y इहदा क्या होगा स्क्वायर। ठीक है जी ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी दे स्क्वायर का की हुंदा अपने कोल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए मीनस 3x का स्क्वायर, बी हैगी बेटा 4y का स्क्वायर, माइनस 2a किन्नी है 3x, बी किन्नी है अपने कोल 4y। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर 16y का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24xy तो फा आंसर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 24xy। देखो केड़ी ऑप्शन ये हैगी है 4th ऑप्शन। लास्ट हैगा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट, दसना इन्हें विचों केड़ा सही है। पहला हैगा एक्स इज इक्वल टू 13 समीकरण का हल है, इहदा सोल्यूशन आ। ठीक है भर के देख लो लैफ्ट साइड के 41 माइनस एक्स किन्नी आ 13। ठीक है 41 चों 13 माइनस कर दो किन्ने बन गए 27 सॉरी बेटा 28। ठीक है ए की कह रहे हैं 25 मीनस यह ऑप्शन गलत है। ठीक है अगे हैगा अपने को एक्स वाई तो 7 वध है वह दर्शाया जा सकता है एक्स एक्सीड्स वाई बाय 7 एक्स वाई नालों 7 वध है इन्हें इदा लिखना सी मीनस ये लिख रहे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 मीनस ये भी गलत है। एक्स के 2/5 तो 20 वध 40 है लिख के दे दें आप थर्ड च बनूगा एक्स दे 2/5 मीनस 2x बाय 5
तो बी वध है, तो बी वध किन्ना अपने कोल 40। ठीक है, इस भर के देखो, ये बन जूगा अपने कोल 40। 20 इधर आके माइनस से मीन्स 20, ये बन जू बेटा 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 5, कि बन गया 100। तो x की वैल्यू कि आ जूगी 100/2, कि आ गई 50। तो x की वैल्यू कि आ गई 50, सही है, ये x कि अपने कोल 50। तो कि ऑप्शन आऊगी बेटा 3। क्लियर जी, ये सही है। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।